दर्शकों, आज पूरे देश में लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो रहे हैं, जहां की कांग्रेस समर्थन वाली इंडिया आघाड़ी, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी समर्थित एनडीए आघाड़ी के जो है विभिन्न नतीजे यहां घोषित हो रहे हैं। और बात की जाए रामटेक लोकसभा की, तो रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव जो है प्रथम चरण में 19 अप्रैल को हुए थे, और आज पूरे 1.5 महीने बाद जो है रामटेक की जनता जो है अपने सांसद को जो है, सांसद कौन बनेगा इस प्रश्न का जो है जवाब यहाँ से स्पष्ट कर रहे हो। तो रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की बात की जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार गुट, उद्धव ठाकरे गुट, साथ ही साथ जो है इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार है श्याम कुमार बर्वे, जो 3661 वोटों से आगे चल रहे हैं, और राजू पारवे जो है उनसे 3661 वोटों से महायुति के उम्मीदवार पीछे चल रहे हैं, जिससे कि सम्मिश्र प्रतिक्रिया यहाँ स्पष्ट हो रही है। रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो 1984 का इतिहास यहाँ काफ़ी है। 1984 की बात करें तो 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव यहाँ से जीत कर आए थे, साथ ही साथ 1989 में भी उन्होंने यहाँ से जीत हासिल की थी। मतलब रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना 1957 के बाद जो है 12 बार यहाँ से कांग्रेस ने अपना परचम लहराया है, जिसके बाद की एक काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव 2024 का माना जाता है, क्योंकि इस बार जो है पूरे एक तरफा गठबंधन किया है इंडिया गठबंधन विपक्ष ने, साथ ही साथ जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जो है विभाजित ऐसी पार्टियाँ, शरद पवार गुट से विभाजित हुए अजीत पवार गुट की राष्ट्रवादी कांग्रेस है, साथ ही साथ शिंदे गुट शिवसेना भी है। और बात की जाए पिछले 10 सालों की, तो पिछले 10 सालों में रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में से कृपाल तुमाने यहां से सांसद रहे हैं, हालांकि इनकी जो है 6 विधानसभा सीटों में कांग्रेस का प्रभुत्व रहा है, जिला परिषद में भी कांग्रेस का प्रभुत्व रहा है, लेकिन लोकसभा की बात की जाए तो पिछले 2 लोकसभा में जो है यहां से भारतीय जनता पार्टी समर्थित शिवसेना के जो है यहां से सांसद रहे कृपाल तुमाने, लेकिन आज जो है राजू पारवे पीछे चल रहे हैं। दो चरणों की गिनती के बाद तीसरा राउंड चल रहा है। पूरे 26 राउंडों में जो है स्थिति जो है यहाँ स्पष्ट होगी, ऐसा चित्र यहाँ प्रतीत हो रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी मात्रा में जो है जल्लोष कर रहे हैं। 2 राउंड यहाँ समाप्त हो चुके हैं, तीसरे राउंड की जो है शुरुआत है, और शुरुआत में ही जो है राजू पारवे आगे दिखाई दे रहे हैं, और दूसरे राउंड की समाप्ति पर जो है राजू पारवे आगे दिखाई दे रहे थे, लेकिन अभी जो है श्याम कुमार बर्वे जो है कांग्रेस के आगे दिखाई दे रहे हैं। तीसरे राउंड की शुरुआती दौर में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी जीत होगी यदि रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से श्याम कुमार बर्वे यहां से जीतते हैं, क्योंकि देखा गया है कि जिस प्रकार से जो है बर्वे की सीट पर जो है काफी विवाद हुए, उनकी जो है उनकी सहचारिणी जो है रश्मि बर्वे के कास्ट वैलिडिटी खारिज होने के बाद, कास्ट वैलिडिटी खारिज होने के बाद श्याम कुमार बर्वे को जो है उपसीट दी गई, और इस सीट पर जो है विजय जो कांग्रेस के स्वाभिमान की बात थी, और यहाँ से यदि कांग्रेस पार्टी जीतती है, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार श्याम कुमार बर्वे जीतते हैं, तो ये काफ़ी बड़ी बात जो है कांग्रेस के लिए होगी। साथ ही साथ जो है तीसरे चरण के चुनाव यहाँ चल रहे हैं। विदर्भ में 10 सीटों में से 7 सीटों पर जो है कांग्रेस का बोलबाला ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जिससे यह देखना काफ़ी रोचक रहेगा कि आगे किस प्रकार की स्थिति यहाँ उत्पन्न होती है। काफ़ी जो है कॉन्ट्रोवर्सीज रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में से उत्पन्न हुई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है एक सहानुभूति का फैक्टर भी कांग्रेस के पास था, क्योंकि रश्मि बर्वे की टिकट काटी गई थी, एक महिला की टिकट काटे जाने पर पूरी प्रकार से जो है एक एजेंडिक प्रचार यहां किया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, साथ ही साथ जो है लेकिन एक कांटे की टक्कर यहाँ से थी। आज जो है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, साथ ही साथ जो इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता बड़ी मात्रा में जो दूसरे राउंड के बाद जल्लोष व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन यह देखना काफ़ी रोचक रहेगा कि लास्ट जो है 26 राउंड की समाप्ति के बाद जो है किस प्रकार से जो है रुझान निष्पन्न होते हैं, और किस प्रकार से जो है स्थिति स्पष्ट होती है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ मैं मनीष टेमरे, NBC न्यूज़ के लिए नागपुर।